तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग इस फ्लैट फ्रंट चिनोस का रिव्यू करने वाले हैं जो अल्थ्यूरी ब्रांड का है, अजियो का एक एक्सक्लूसिव ब्रांड है। आप में से किसी ने रिकमेंड किया था इस ब्रांड के बारे में रिव्यू करने के लिए, तो मैंने काफी सारे परचेज किए कपड़े और इसका एक हॉल वीडियो भी बनाया है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले इस ब्रांड के बारे में, तो सबसे पहले आपको इसको पास से दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले इस पैंट को आपको पास से दिखाते हैं, देन वीडियो में इस डिटेल से इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस ये अपना अल्थ्यूरी का फ्लैट फ्रंट जो चिनो है वो, इसको ओपन करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसा है इसका मटेरियल और क्या है इसकी सब कलर और ये सब आप देख रहे होंगे। तो गाइज अगर सबसे पहले फील की बात करें तो थोड़ा सा टेक्सचर्ड फील अपने को ऊपर की तरफ मिल रहा है, जो अच्छी बात है। काफ़ी चिनोज में नहीं होता है, वो नॉर्मल अपने प्लेन बीब होते हैं, लेकिन ये प्लेन बीब नहीं है, थोड़ा सा टेक्सचर्ड यहाँ पे अपने को नीटे टाइप का फील दे रहा है ये। उसके बाद अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल यहाँ पे कॉटन लाइक्रा मिक्स है। आप देखते हैं लाइक्रा होने से स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है, तो स्ट्रेचेबिलिटी उतनी नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी आपको फील हो रही होगी जो थोड़ा सा स्मूथ फील कराएगी और अपने को कंफर्ट देगी पहनने में। उसके बाद अगर फील पूरा टेक्सचर्ड है, सामने की तरफ दो स्लैंट पैकेट अपने को प्रोवाइडेड है, पीछे की तरफ देखते हैं कि क्या मिलता है। तो वैसे पीछे की तरफ अपने को दो पैकेट मिलते हैं, अभी बटन क्लोजर है और तीन लूप्स मिल जाते हैं। बाकी अब हम इसके देखते हैं कि साइज चार्ट में जो साइज मेंशन किया गया था क्या वो करेक्ट है क्या। तो यहाँ पे ये 30 साइज का है और अकॉर्डिंग टू साइज चार्ट इसका जो वेस्ट है वो 31.5 इंचेस का है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या ये 31.5 इंचेस का है टोटली। तो यहाँ पे अगर विदाउट स्ट्रेच ये 30 इंचेस का है, अगर थोड़ा सा स्ट्रेच कंसीडर करें तो नहीं है इसमें स्ट्रेच, यानी कि ये 30 इंच ही आएगा। अगर थोड़ा सा और बफर भी ले लेंगे हम लोग तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी लेते हैं तो 30.5 तक ये जा सकता है अगर पूरा स्ट्रेच को कंसीडर करें। अब देखेंगे कि ये फिट अच्छे से आता है कि नहीं। अब इसके इनसेम लेंथ को भी देख लेते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अकॉर्डिंग टू अगर 32 साइज के लिए माने तो इनसेम लेंथ जो होनी चाहिए 31 इंचज की होनी चाहिए और ये ठीक है 30.5 इंचज का है तो ये ठीक है, इनसेम लेंथ इतना ही होना चाहिए। गाइस मटेरियल आपको बता दिया कॉटन और लाइक्रा मिक्स है, 30 साइज का है, थोड़ा सा टेक्सचर्ड फील में है। और भी इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में हम लोग डिटेल से आगे वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो गाइस आई होप हमने देखा इस चैनल को काफ़ी पास से, अब बात करने वाले हैं इसके साइज चार्ट के बारे में। अब क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो साइज चार्ट मेंशन होता है ऑनलाइन शॉपिंग में वो करेक्ट नहीं आता है, तो हम यहाँ पे आपके सामने मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर साइज चार्ट की बात करें तो यहाँ पे 31.5 इंचेस का इसका वेस्ट साइज मेंशन किया गया था, लेकिन ये 31 इंचेज ही है और उससे इनफेक्ट थोड़ा उससे कम ही है। उसके बाद अगर इनसेम लेंथ की बात करें तो वो 30 इंचेज का है जो चल जाएगा, हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनसेम लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वहीं पे प्राइस की बात करें तो इसके लिए मैंने 649 प्राइस पे किया है। प्राइस को डिटेल से जानने के लिए, क्योंकि रियल टाइम प्राइस डिफरेंट आपको दिख रहा होगा वेबसाइट पे, लेकिन ये कैसे कम हुआ आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए जो इसका हॉल वीडियो है। अब बात करेंगे इसके फिटिंग के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आते हैं बेस्ट पार्ट पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइट फिट है मेरे में, उतना भी टाइट नहीं है जो वियरेबल नहीं है, वियरेबल है, चल जाएगा, मेरे को थोड़ा सा वेट लूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परचेज करोगे आपका 32 के आसपास वेस्ट होगा तो थोड़ा सा आपको टाइट आएगा, तो आप उस हिसाब से इसके साइज चार्ट को आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आप साइज को कंसीडर कर सकते हैं। वन साइज अपर के लिए जा सकते हैं या अगर आपका वेस्ट कम है तो वन साइज डाउन के लिए जा सकते हैं। थाई की बात करें तो थाई पे ओके फिट है, काफी अच्छा फिट आपको थाई पे मिल जाने वाला। काफ पर भी परफेक्ट फिट बना रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रिप है। एंकल पर भी गुड फिट है, एंकल ठीक है और लेंथ जो है इसका परफेक्ट है, इतना लेंथ काफ़ी है, सुपर भी अच्छा अपने को दिख रहा है। वहीं पर अगर फील की बात करें तो फील थोड़ा सा टेक्सचर मिल जाने वाला है, मटेरियल ठीक है, टेक्सचर ऊपर की तरफ भी है और अंदर से थोड़ा सा आपको टेक्सचर मिल रहा है। फील मटेरियल स्मूथ है, कंफर्टेबल है, थोड़ा सा बैठने में आपको परेशानी होगी क्योंकि जो थाई वाला पार्ट है और नी वाला पार्ट है वहाँ पर थोड़ा सा टाइट है फिटिंग के हिसाब से, जो मेरे में हो रहा है, मे बी आप में डिफरेंट हो सकता है, तो बैठने में थोड़ी सी अनकंफर्ट आपको फील होगी। बाकी अगर लुक की बात करें, लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, इस हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको नीड है इस खाकी कलर के पैंट की तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं पर आपको कंसीडर करना है कि कौन सा साइज आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो अगर आपका वेस्ट 32 है तो ये वाला अगर आप 30 साइज में परचेज करिएगा तो मे बी आपको थोड़ा सा वेस्ट पार्ट पर टाइट फिट आएगा, इसीलिए आप 32 साइज के लिए जा सकते हैं, या हिसाब से हमें कमेंट सेक्शन में रीच कर लीजिए या इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही,
मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर कोई टॉपिक है आपके दिमाग में तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, टू माय लवली फ्रेंड्स।